हेलो फ्रेंड्स, देव ऑनलाइन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा एम आधार से जुड़ी हुई कुछ नए फीचर्स और इसमें क्या क्या आपको न्यू सर्विस मिलती हैं और किन सर्विसों का आप ऑनलाइन लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले ओपन कर लेते हैं हम जो आधार ऐप है नया वाला उसे। तो चलिए, हमने ओपन कर लिया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कौन कौन सी सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है डाउनलोड आधार, इसमें आप आधार नंबर से आधार को डाउनलोड कर सकते हैं, वर्चुअल आईडी से आधार को डाउनलोड कर सकते हैं और एनरोलमेंट आईडी के थ्रू भी आप आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑर्डर आधार रिप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप अपने आधार को रिप्रिंट करा सकते हैं 50 रुपये पेमेंट करके, और जो भी इसमें आपको जो पोस्ट ऑफिस द्वारा आपके घर पर आएगा रिप्रिंट होकर। और इसमें आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, आप अपने अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालकर भी इसमें रिप्रिंट करा सकते हैं। और इसमें आपको एक और सर्विस देखने को मिल जाती है, अपडेट एड्रेस ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप अपने आधार में एड्रेस को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद इस ऐप के माध्यम से आप EKYC कर सकते हैं ऑफलाइन, आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से किसी भी आधार के QR कोड को। इसके बाद आपको इसमें वर्चुअल आईडी जनरेटर का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने आधार की वर्चुअल आईडी को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप जनरेट QR कोड, तो आप न्यू QR कोड को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर वेरीफाई है या नहीं, वेरीफाई आधार नंबर यहां पर लिखा हुआ है, इस पर से आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपके आधार से ईमेल वेरीफाई है या नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर, वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर। यदि आपका आधार नंबर गुम जाता है या खो जाता है तो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फॉरगेट या रिट्राइव UID नंबर पर क्लिक करके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है आधार नंबर मंगवा सकते हैं इस वाले ऑप्शन से, रिट्राइव EID एंड UID। इसके बाद आधार अपडेट हिस्ट्री, इस पर आप अब तक अपने आधार में कितनी करप्शन और कितनी अपडेट हुआ है कितनी बार, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपडेट आधार हिस्ट्री। इसके बाद रिक्वेस्ट एड्रेस वैलिडेशन लेटर मंगा सकते हैं आप ऑनलाइन यहीं से। इसके बाद आपको यदि आप अपने नज़दीकी एनरोलमेंट सेंटर को ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं, इसका आपको पता नहीं, तो आप यहाँ एनरोलमेंट नीचे एनरोलमेंट सेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको लोकेशन करके, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद ये आपकी लोकेशन को कैप्चर कर लेगा और आपके नज़दीकी जो भी एनरोलमेंट सेंटर होगा उसका आपको एड्रेस बता देगा। तो एक आपकी अच्छी सर्विसेज हैं फ्रेंड्स इसमें। तो आधार का नया ऐप है तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड करें और इसकी सभी सर्विसेज का लाभ लें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।